दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपको पता होगा सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये सुनवाई किस बारे में थी, ये सुनवाई थी प्राइवेट कंपार्टमेंट के बच्चों के बारे में जो कि डायरेक्शन सीक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की कि भाई हमारे एग्जाम को डिले कर दिया जाए या फिर डेट को थोड़ा एडजस्ट किया जाए। लेकिन ये प्लिया आज भी एडजर्न कर दी गई है, पहले भी एडजर्न हुई थी, अब ये मंडे को एडजर्न हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, आज फ्राइडे को क्या क्या हुआ है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो एग्जाम जानकारी आपको हमेशा कोशिश करती है लेटेस्ट और सही सही खबरें देने की। बच्चे परेशान हैं, बच्चे लगातार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो नीट वाले बच्चे हों पोस्टमेंटमेंट के लिए या पत्राचार प्राइवेट वाले बच्चे हों, तो यहां पर आप पूरी खबर देख लीजिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन सेप्टेंबर 3 एडजर्न टू मंडे अ प्लिया सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू चेंज डेट्स ऑफ द क्लास 12 प्राइवेट पत्राचार एंड कंपार्टमेंट एग्जाम्स। सीबीएसई ऑफलाइन एग्जाम्स आर क्लैशिंग विद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट। बच्चों का कहना है कि जो हमारे प्राइवेट वाले के एग्जाम हो रहे हैं इनकी डेट क्लैश कर रही है नीट के साथ। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया है एडजर्न, मंडे को दोबारा होगा। द प्लिया ऑल्सो सॉट डायरेक्शन टू इंश्योर दैट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एडमिट स्टूडेंट्स हू वर टू अपीयर फॉर द प्राइवेट एग्जाम। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी तो हमारा रिजल्ट आया नहीं, एग्जाम चल रहे हैं, तो हमारे एडमिशन कैसे होंगे। तो इसमें दो बातें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। एक तो इसमें नीट के एडमिशन की बात थी कि नीट में हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हमारे तो रिजल्ट नहीं आया। और दूसरी बात है इसमें जो AICTE के कॉलेज हैं, UGC के कॉलेज हैं, तो कोर्ट ने कहा है, माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप एक एडवांस कॉपी इसकी, अपनी जो आपकी कंसर्न है इसको आप एक एडवांस कॉपी AICTE को दे दीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। द सुप्रीम कोर्ट बेंच डायरेक्टेड द पिटिशनर टू सर एन एडवांस कॉपी टू द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE इज द टॉप टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटर इन द कंट्री। तो द कोर्ट ऑन फ्राइडे डिस्कस प्राइवेट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स रिजल्ट्स एंड अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस। एडवोकेट अंजनेय मिश्रा अपीयरिंग ऑन बिहाफ द पिटिशनर रिक्वेस्टेड टू द टॉप कोर्ट डायरेक्शन टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट द कॉलेज डू नॉट टेक एडमिशन अंटिल CBSE प्राइवेट कैंडिडेट रिजल्ट आर आउट। मतलब एडवोकेट साहब ने ये डिमांड करी थी कि जब तक बच्चों के प्राइवेट वालों के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कोई भी एडमिशन ना किया जाए। एडवोकेट अपूर कुमार जो कि UGC की तरफ से थे, उन्होंने कहा है कि अभी बहुत टाइम है एडमिशन का, क्योंकि CBSE अब अगर हमें बता दे कि फर्म डेट क्या है तो एडमिशन का टाइम बहुत है। एडवोकेट रुपेश कुमार अपीयरिंग फॉर CBSE, तो उसके बाद CBSE के एडवोकेट रुपेश कुमार जी बोले लास्ट डेट फॉर एग्जाम इज सेप्टेम्बर 16 एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय सेप्टेम्बर 30। वो कह रहे हैं कि लास्ट डेट एग्जाम की हमारे जो है वो 16 तारीख है और हम 30 तारीख तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। द शेड्यूल अप्रूव्ड बाय दिस कोर्ट, कि कोर्ट, यही कोर्ट ऑलरेडी हमारे शेड्यूल को अप्रूव कर चुकी है। द CBSE बोर्ड ऑफ लाइन इंप्रूवमेंट स्टार्टेड ऑन August 25 एंड विल कंटिन्यू टिल सेप्टेम्बर 15th। मतलब जो ऑफलाइन एग्जाम थे इंप्रूवमेंट वाले 25 अगस्त को शुरू हुए थे और 15 सेप्टेम्बर तक हैं। बहुत सारे बच्चे नीट के लिए भी डिमांड कर रहे थे कि नीट की डेट को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं वो फिर उनका रिजल्ट नहीं आएगा और वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो NTA ने प्रस्तुत होकर सुप्रीम कोर्ट में ये भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, एंट्रेंस देने के लिए कोई भी आपको जरूरत नहीं है कि आपका रिजल्ट आए, एंट्रेंस आप दे सकते हो, हम परमिशन दे रहे हैं सबको, केवल काउंसलिंग के लिए ही रिजल्ट की जरूरत पड़ती है जो कि हम 30 सितंबर को दे देंगे। तो कोर्ट ने उनकी इस बात को भी मान लिया NTA की कि नीट की डेट को पीछे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें रिलीफ नहीं दे सकते आपको, क्योंकि NTA ने बोल दिया कि भाई आपके रिजल्ट की हमें जरूरत ही नहीं है एग्जाम देने के लिए। तो यहां पर बच्चों की जो डिमांड है कि नीट को पोस्टपोन किया जाए वो तो लगता है कि भाई फुलफिल नहीं हो पाएगी, कोर्ट ने भी मान लिया इस बात को, क्योंकि NTA ने ऐसा तर्क दे दिया कोर्ट के सामने, ऐसी बात कह दी कि सर हम तो एग्जाम देने से मना ही नहीं कर रहे हैं, केवल काउंसलिंग के टाइम जब MBBS में एडमिशन होंगे नीट के बाद तब इनको रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी मार्कशीट की, और 30 तारीख को CBSE ऑलरेडी कह चुका है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बात पर कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस बात से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जो प्राइवेट और उनका मामला है वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनेगा मंडे को, एडजर्न कर दिया गया आज भी। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार, जो खानविलकर सर हैं माननीय जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले को हेड कर रहे हैं। तो यहां पर 3-4 बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, एक तो जो नीट वाले बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि 12 सितंबर को आपका एग्जाम है, टाइम बहुत कम बचा है। नंबर 2, एक बात मैं आपसे कह दूं, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं जो अपनी डेट को
क्लैश कह रहे हैं उसकी सुनवाई मंडे को होगी। हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि डायरेक्ट क्लैश कोई नहीं है, क्योंकि मैंने एक समय भारद्वाज जी का इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा था डेट आसपास तो है लेकिन डायरेक्ट क्लैश कोई नहीं है, तो ऐसे में बच्चों की डिमांड गलत है। लेकिन हमारा मानना है कि वाकई बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि एक तरफ नीट का एग्जाम, एक तरफ अलग अलग बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, एक तरफ बच्चों के प्राइवेट और इंप्रूवमेंट के एग्जाम, तो ऐसे में थोड़ी सी एनटीए अगर डेट को आगे पीछे कर देता तो कोई बुरी बात नहीं थी। अब देखते हैं दोस्तों मंडे को क्या होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। फिलहाल एनटीए ने तो कह दिया है कि हमें कोई जरूरत नहीं आपके रिजल्ट की, आप एग्जाम दे सकते हो नीट का, तो कोर्ट ने कहा ठीक है। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं ऑफलाइन एग्जाम जिनके हो रहे हैं पत्राचार इंप्रूवमेंट प्राइवेट, उनकी सुनवाई अब अगली होगी मंडे को। अब देखना यह है कि यार अब तो एग्जाम ही खत्म हो जाएंगे 15 सितंबर तक, तो और आज तारीख है 3, तो मंडे को 3, 4, 5, तो अब तो कोई मुझे लगता नहीं केस से कोई फायदा भी होने वाला है। कोर्ट मंडे को क्या करता है, क्या सीबीएसई को डायरेक्शन देता है, कि वो तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई अपडेट आप चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए एग्जाम जानकारी। थैंक यू ऑल।